हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपा। आज हम पीएचपी में स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए इस एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पीएचपी टैग शुरू किया, देन यहाँ पर एक वेरिएबल लिया पेज एंड देन उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की लॉगिन। तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ क्यों करते हैं? स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या चाहते हैं, मल्टीपल पेजेस में से जो भी एक पेज सिलेक्ट करें उस पेज के कोरेस्पोंडिंग लिखा है आपने ये वाला पेज सिलेक्ट किया। तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच में सिंटेक्स क्या रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच कीवर्ड, देन ब्रैकेट में लिखते हैं हम एक वेरिएबल पास होता है जिसकी वैल्यू आगे मैच करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर केस कीवर्ड। केस के अंदर हम लिखते हैं जो भी वैल्यू हम मैच करना चाहते हैं, जो कि इस वेरिएबल से, इस हमारा जो वेरिएबल हम पास करते हैं ब्रेसेस के अंदर उसमें जो है, अगर इसके अंदर जो हम केस में वैल्यू लिख रहे हैं तो उसके बाद जो भी कोलन के बाद स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर नहीं है देन ये मूव करेगा नेक्स्ट केस के ऊपर, मैच नहीं करती। अगर यहाँ भी नहीं करती तो मूव करेगा नेक्स्ट केस पे। और सभी केसेस के अंदर वैल्यू फिल होने के बाद ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक केस होता है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई हमें वैल्यू मिल जाती है, कोई ऑप्शन मैच कर जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट में होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेज नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने लॉगिन से इनिशियलाइज किया, देन स्विच में हमने उस पेज नाम के वेरिएबल को पास किया। देन हमने केस लिया, फर्स्ट केस है होम, कोलन लिखेंगे ये इसका सिंटेक्स है। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगी। हमने लिखा इको यू सेलेक्टेड होम, देन हमने लिखा ब्रेक। ब्रेक क्यों लिखा, अगर फर्स्ट या जो भी स्टेटमेंट हमारी जो भी केस हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा उसके लिए हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हम ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद की सभी स्टेटमेंट्स, ये भी ये सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इसलिए हम ब्रेक लिखते हैं ताकि ये अगर होम हमारा केस होम वाला सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो एंड देन ब्रेक कर जाए हमारे स्विच से। ओके, वैसे ही हमने अबाउट के लिए लिखा यू सेलेक्टेड अबाउट, देन न्यूज़ के लिए लिखा यू सेलेक्टेड न्यूज़। इस तरह से हमने पांच बनाए। देन हमने एक डिफ़ॉल्ट में क्या दिया, इको रॉन्ग सिलेक्शन, मीन्स आपकी सिलेक्शन गलत है। ये हमने सेव किया, लास्ट में हमने कर्ली ब्रेसिस बंद किया एंड पीएचपी टैग बंद किया। देन ये हम सेव करेंगे, सेव कर चुका हूँ मैं इसे www फोल्डर में, ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर में switch.php नाम से। देन हम वेब सर्वर ऑन करेंगे, मैंने ऑन किया है। देन लोकल होस्ट ऑन किया, लोकल होस्ट, देन ट्यूटोरियल switch.php यू सेलेक्टेड लॉगिन। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ यू सेलेक्टेड होम करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर यू सेलेक्टेड होम लिखा गया। और अगर मैं ब्रेक हटाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, यू सेलेक्टेड होम, यू सेलेक्टेड अबाउट, यू सेलेक्टेड न्यू सभी लिखे आ गए। ओके, तो ये है स्विच स्टेटमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।